दोस्तों 2015 में दुनिया के सबसे बुद्धिमान जीवों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें डॉल्फिन 5वें नंबर पर थी, क्योंकि डॉल्फिन ही एकमात्र ऐसा जीव है जो 20 साल तक किसी भी किस्से को याद रख सकता है। ये तो होगी डॉल्फिन की बुद्धिमानी की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी डॉल्फिन भी थी जिसने किसी लड़की के प्यार में आकर आत्महत्या कर ली, यानी कि अपनी ही जान दे दी। अगर नहीं तो बने रहे इस वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि अब हम जानने वाले हैं कि एक डॉल्फिन ने एक लड़की के प्यार में अपनी जान क्यों दी और कैसे उसने आत्महत्या की। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का एपिसोड। 1960 में नासा ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन उसमें जो हुआ उसे देख वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। उस रिसर्च की हिस्सा रही एक महिला जिनका नाम था मार्गरेट होवे, जिन्हें डॉल्फिन के साथ समय बिताना था और डॉल्फिन को अच्छी तरीके से समझना था, क्योंकि इस मिशन का मेन मोटिव यही था कि डॉल्फिन कितनी अक्लमंद हो सकती है। इसके लिए 3 डॉल्फिन्स को चुना गया, जिनका नाम था पीटर, पोमेला और सिसी, जिन्हें प्रोजेक्ट डायरेक्टर गेगरी बेटसन के साथ सेंट थॉमस के केरी बिलाई द्वीप पर रखा था। मार्गरेट के मुताबिक सिसी उनमें से सबसे बड़ी थी और पोमेला बहुत ज्यादा शर्मिला या फिर डरपोक कह सकते हैं। उनमें से पीटर ही ज्यादा शरारती था और छोटा भी। कुछ दिनों बाद मार्गरेट और पीटर में अच्छी दोस्ती हो गई। जब भी मार्गरेट किसी और दूसरे डॉल्फिन के साथ वक्त बिताती तो पीटर को जलन होती थी। कुछ ही दिनों में पीटर दूसरे दोनों डॉल्फिन से तेज हो गया और वो अंग्रेजी के शब्दों को आसानी से समझकर उसका जवाब देने लग गया था। बाद में मार्गरेट और पीटर काफी नजदीक हो गए और उनके बीच शारीरिक संबंध भी बना। मार्गरेट ने बताया कि वो पानी में बैठी थी और उनके पैर पानी के अंदर थे, तभी पीटर आया और उनके घुटने के पास लंबे वक्त तक बैठा रहा। पीटर मार्गरेट के पास यौन उत्तेजित हो जाता था और कई बार उनके साथ संबंध भी बनाए। जब पीटर संबंध बनाता तो मार्गरेट को ज्यादा कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन कई बार सेक्स के दौरान उनके शरीर पर खरोचे जरूर आई। पीटर और मार्गरेट के बीच ये दोस्ती काफी लंबे समय तक चली, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया। तब मार्गरेट प्रोजेक्ट खत्म करके वहां से चली गई तो डॉल्फिन पीटर ने आत्महत्या कर ली। प्रोजेक्ट में शामिल लोगों ने बताया कि डॉल्फिन को सांस लेने के लिए नियमित रूप से पानी की सतह पर आना पड़ता है, लेकिन पीटर मार्गरेट के जाने के बाद पानी की सतह पर आया ही नहीं। जब लोगों ने पानी में अंदर जाके देखा तो पीटर की मौत हो चुकी थी। इससे एक बात साफ हो जाती है कि उसने खुद ही जान दी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।